हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये यूजीसी नेट के पेपर 1 का आईसीटी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री, जनरेशन रिलेटेड टर्म्स एंड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर हिस्ट्री को हम 5 जनरेशन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरेशन नंबर 1, जिसमें हम बेसिक टूल्स का यूज़ करते थे एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, और इसमें हम मेनली हमारी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और मैग्नेटिक टेप्स को हम एज अ आउटपुट डिवाइस यूज करते थे, और इन पंच कार्ड्स को एज अ इनपुट डिवाइस यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें हम ट्रांसिस्टर्स का यूज़ करते थे। ये प्रीवियस कंपैरेटिव टू चीप होता था और कॉम्पैक्ट होते थे और लेस पावर कंज्यूम करते थे। और इसमें हम कोबोल, फोर्टन जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे फॉर प्रोग्रामिंग, और बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करते थे। और हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें हम आईसीज का यूज़ करते थे, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसमें हमारा पावर कंजप्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन काफ़ी कम हो गया था। साइज कंप्यूटर का बहुत ही स्मॉल हो गया था और रिलेटिवली हमारे ये चीप थे। इसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोटोन, टू टू फोर और कोबोल, पास्कल जैसे लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते थे इस जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हम इसमें वीएलएसआईज का यूज़ करते थे, जिसमें हम कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते थे। हम इसमें सी, सी प्लस जैसे सी प्लस प्लस डी बेस में कोडिंग होती थी। अब कंप्यूटर जनरेशन पे आया तो उसमें हम मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कंपोनेंट्स का यूज़ करते थे बाय यूजिंग वीएलएसआईज, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करके। जिसमें अब कोडिंग सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा जैसे लैंग्वेजेस में होती थी। इन शॉर्ट, अगर हम कंप्यूटर जनरेशन को देखें तो हम उसके पीरियड्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट पीरियड 1946 टू 1959 है। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया हमने इसमें, ENIAC, ENAC, MIVAC, IBM 701 इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965 है, जिसमें हम ट्रांसिस्टर्स का यूज़ करते थे, IBM 16020, CDAC 16004 इसके कुछ एग्जाम्पल है। नाउ थर्ड जनरेशन की बात करें, 1965 से 1971 तक था, इसमें हमने आईसीज का यूज़ करते थे, PDP, हनीवेल सीरीज जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चली, जिसमें हमने VLSIs, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स थे हमारे, STAR 1003, PDP 11 इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1980 से अभी तक चले आ रहे हैं, उनको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें हमने VLSI, माइक्रो बेस कंप्यूटर थे, जिसको हम AI सॉफ्टवेयर का, डेट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसमें अब हम करने लग रहे हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर के क्या टाइप्स होती हैं। PC फर्स्ट कंप्यूटर के टाइप है, डेट इज पर्सनल कंप्यूटर, एक तरह का सिंगल यूजर कंप्यूटर है, सिंपल हमारी प्रोसेसिंग करता है, मॉडरेटली पावरफुल है। अब हम वर्क स्टेशन की बात करें तो बड़े बड़े जो कंपनीज वगैरह होती हैं वहाँ यूज होता है ये। PC के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ये भी एक सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम ही है। मिनी कंप्यूटर की बात करें, ये एक तरह का मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें हम थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को ये सपोर्ट करता है साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, ये मल्टी यूजर कंपोनेंट सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है, ये कैपेबल है हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर काफ़ी डिफरेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा
हैवी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ऑल कंप्यूटर्स, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में हम प्रोसेस करते हैं। अब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले क्या, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी सिस्टम में हम इनपुट देते हैं, देन उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हैं, सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग होती है, देन हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट मिल जाती है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पैड, ट्रैकबॉल, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, बार कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फ्रेंड्स, इसलिए इन सब के जो शॉर्ट फॉर्म और एब्रीवेशन है आपको जरूर याद करनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इनकी एब्रीवेशन को एज अ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फ्रेंड्स इनको जरूर याद करके जाइएगा। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस की बात करें। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिससे हमें आउटपुट मिलती है, 3D प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, प्लॉटर, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, वीडियो कार्ड। इसके आउटपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो जिससे हमें आउटपुट मिलती है, जैसे कि प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जिसे भी हम नॉर्मली देखते हैं, जो टाइप राइटर होता है, टाइप राइटर इज अ टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। उसमें ब्लैक कलर का रिबन होता है, जब भी हम कोई भी कैरेक्टर दबाते हैं तो वो स्ट्राइक बैक करता है, हमारे में ब्लैक जो पतली सी पतली रिबन टाइप रहता है उस पर, देन वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है, तो उसको कहते हैं आप इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी रिबन्स के यूजिंग करता है, मेनली हमारे लेजर्स बीम्स का वगैरह का यूज करके कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर से कुछ एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसके एग्जाम्पल्स है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब हम कुछ कंप्यूटर के एप्लीकेशन देखेंगे। कई बार ये हमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले ALU, डाटा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नेक्स्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, नेक्स्ट है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, DVU, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेमो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स, अब हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ मेमोरी, जिसमें जनरेशन को उनके प्रोसेसर के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन को। और फ्रेंड्स, अगर हमें जनरेशन को यूज करना है, अगर याद करना है, तो इन शॉर्ट हम ही याद कर सकते हैं। डॉक्टर लिखी इंटीग्रेटर, हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन ही हमारे 1946 से स्टार्ट होती है। कई वेबसाइट्स पे 1946 मिल जाएगा, कहीं आपको जगह 1945 मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंप्यूटर ही हमारे ऐसे आपने ध्यान दी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो USB की फुल फॉर्म पूछिए, तो डेट इज यूनिवर्सल सीरियल बस, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ASCII इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग इन डेट इज रिकॉर्ड बाय पर्सनल कंप्यूटर।
In order to represent various characters, number, and control the man, the computer uses select on the keyboard. ASCII is in prime code. It's the code from procedure. So first, math and standard code for information interchange. So ये हमारी answer चाहिए, that is first our answer देना. DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is in prime code. Question number 5 में DVD की full form पूछ रही है. तो digital version है, disk हमारी इसकी full form हो जाएगी, net is called, इसका answer हो जाएगा. तो friends, अगर आपको मेरा ये lecture पसंद आता है तो please सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और अगर आपको और इसके रिलेटेड लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए. थैंक यू.